हेलो बच्चों, आज मर्केटर प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। मर्केटर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। प्रोजेक्शन हमारे फोर टाइप्स के होते हैं, कॉनिकल, सिलिंड्रिकल, जेनिथल एंड कॉन्वेंशनल। आज मर्केटर प्रोजेक्शन सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का टाइप है। सिलिंड्रिकल इस तरीके से ये बेलन के शेप का होता है, जिसमें हम लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियंस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये हमारे ग्लोब में ये लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो इनके हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल शेप में ये जो हमारे ये लैटिट्यूड्स हैं, ये हमारे मेरिडियंस हैं, इनको हम बनाते हैं। तो ये हमारे सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस का टाइप होता है और इस प्रोजेक्शन को इट वाज फर्स्ट डिजाइंड बाई फ्रेंच कार्टोग्राफर गेरार्डस गेरार्डस मर्केटर ने इसको डिजाइन किया था। इन्हीं के नाम पर इसे मर्केटर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। मर्केटर प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि गेरार्डस मर्केटर ने इसे सबसे पहले डिजाइन किया था, इसीलिए इसे मर्केटर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। इसे इस प्रोजेक्शन को ऑर्थो मॉर्फिक प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ऑर्थोमॉर्फिक सिलिंड्रिकल ड्रिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसका शेप सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर की शेप में, और ऑर्थोमॉर्फिक यानी ये जो शेप को ये करेक्ट डिजाइन करता है, एक्यूरेट हमारे ग्लोब के अकॉर्डिंग डिजाइन करता है, इसीलिए इसे ऑर्थोमॉर्फिक सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोजेक्शन को, मर्केटर प्रोजेक्शन को, ब्रिटिश कार्टोग्राफर एडवर्ड एडवर्ड राइट ने मॉडिफाई किया। इसको मॉडिफाई एडवर्ड राइट ने किया। इस प्रोजेक्शन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ये ऐसा प्रोजेक्शन है, अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्शन पढ़े हैं, लाइक एज बोन प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन, है ना, तो उसमें पूरे बर्ड का मैप नहीं बना सकते थे। मर्केटर प्रोजेक्शन में हम पूरे बर्ड के मैप को यहाँ पर बर्ड के मैप को ड्रा करते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मर्केटर प्रोजेक्शन जो मुझे ड्रा करना है, देखिए बर्ड मैप बनाते हुए इसकी आरएफ है 1/250 मिलियन, जिसमें हमारा इंटरवल है 20 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने स्फीयर या ग्लोब का जो हमारा गिविन स्केल में जो हम फार्मूला लगाते हैं, तो हमारा रेडियस निकालने के लिए रेडियस ऑफ द ग्लोब द गिविन स्केल हाफ डायामीटर अपॉन गिविन स्केल। यहां पर गिविन स्केल मीन, यहाँ पर ये हमारा जो आरएफ दी गई है, इसका डिनोमिनेटर, चाहो तो इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमेशा हमारा बंद रहता है, जो हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से करते हैं। तो हाफ डायामीटर हमारा सेंटीमीटर में होता है 635 मिलियन, सेंटीमीटर में 250 मिलियन इंच में होता है।
तो यहाँ पर इस को हम यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन स्केल द रेडियस 635 मिलियन अपॉन हमारी आरएफ कितनी है 250 मिलियन। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी 2.5, ये हमने वैल्यू किसमें रखी थी सेंटीमीटर में, इसलिए यहां पर सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसके बाद रेडियस निकालने के बाद हमारा इसमें हम इक्वेटर की लेंथ निकालते हैं, जिसका फार्मूला है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, इसका फार्मूला है 2πr। 2πr है, इसके हम वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर हमारी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी 15.7 सेंटीमीटर। देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मेरिडियन की डिस्टेंस निकालते हैं। जब हम यहाँ प्रोजेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल लाइंस खींचते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसका फार्मूला होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इसका फार्मूला है 2πr इंटू इंटरवल अपॉन 360 डिग्री। अब इसी की हम वैल्यू रख देते हैं, 2πr हमारी कितनी है, 2πr हम मैंने जो निकाली है 15.7 सेंटीमीटर इंटरवल। क्वेश्चन में हमारा ये इंटरवल हमारा 20 डिग्री है, तो यहां पर हम इंटरवल में लिख देंगे 20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.87 सेंटीमीटर। देन हम क्या करते हैं कि लैटिट्यूड्स निकालते हैं, तो यहां पर हम ये टेबल देख रहे हैं कि यहां पर इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से लैटिट्यूड की, वो एक टेबल में पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्टेंस दी गई है, 5.5 डिग्री के डिस्टेंस से दी गई है। और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 डिग्री की लेंथ मैंने यहाँ पर निकाल ली है, लेंथ ऑफ द इक्वेटर 15.7 सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरवल कितना है 20 डिग्री, इंटरवल कितना है 20 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री के बाद नेक्स्ट हमारी लैटिट्यूड लाइंस कितने की होगी 20 डिग्री की होगी। नेक्स्ट 20 डिग्री के डिफरेंस से 40 डिग्री होती, 40 डिग्री के बाद 60 डिग्री होगी, 60 डिग्री के बाद 80 डिग्री होगी। तो यहाँ पर हम इसको लैटिट्यूड्स 20-20 डिग्री के डिफरेंस से बनेंगे तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए ये टेबल गिवन होती है हमारे इक्वेटर से इसकी डिस्टेंस। तो इससे हम यहाँ पर ये जैसे लॉग टेबल से वैल्यू देखते हैं, वैसी 20 डिग्री की वैल्यू 0.356 है, 40 डिग्री की वैल्यू 0.763 है, 60 डिग्री की वैल्यू 1.317 है, 80 डिग्री की 2.437 है। तो यहाँ पर जो हम 20 डिग्री डिस्टेंसेस ऑफ द पैरेलल्स, क्योंकि लैटिट्यूड्स पैरेलल्स खींचे जाएंगे फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर से ये पैरेलल होगा, फ्रॉम द इक्वेटर। तो इक्वेटर कितना है ये 20 डिग्री का 0.356 इंटू आर। तो इसकी हम वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 0.356 इंटू आर हमारी कितनी है यहां पर
आर हमारी 2.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम इससे 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 2.5 सेंटीमीटर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.89 सेंटीमीटर। तो 20 डिग्री के बाद फिर हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 40 डिग्री की निकालेंगे, तो 40 डिग्री डिस्टेंसेस ऑफ द पैरेलल्स फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर, तो ये हमारी है 0.763, ये 0.763 इंटू आर, इसकी भी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे 0.763 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी वैल्यू आएगी 1.9 सेंटीमीटर। देन हम 60 डिग्री डिस्टेंसेस है ना पैरेलल, तो इसका 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1.317 इंटू आर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.317 इंटू आर 2.5 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी 3.9 सेंटीमीटर। देन हम 80 डिग्री डिस्टेंसेस की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर कितनी है 2.436, ये कितनी है 2.436 इंटू आर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2.436 इंटू 2.5, तो ये वैल्यू आपकी निकलेगी 6.09 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अब मैंने ये यहां पर जो मैंने ये निकाली है 20-20 के डिफरेंस से ही इसको मैंने क्यों लिया, इसको इसलिए लिया 20, 40, 60, 80, फिर इसके बाद क्या है 100, तो हमारे कितने लैटिट्यूड होते हैं 90 डिग्री तक, तो 20-20 डिफरेंस से जो हम यहाँ पर वैल्यू दिखा सकते हैं जो शो करेंगे वो 20-20 डिग्री के डिफरेंस से करेंगे यहाँ पर, तो 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 80 डिग्री, तो इस तरीके से कैलकुलेशन है। देन हमें अब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेटर की लेंथ हमारी कितनी है इस क्वेश्चन में 15.7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 15.7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पर किसी भी यहां पर हम किसी भी डिस्टेंसेस की यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये राइट एंगल बनाती हुई, ये परपेंडिकुलर, यहां पर किसी भी दूरी की ये लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरीके से ये जो मैंने 15.7 सेंटीमीटर की एक एबी लाइन ड्रा कर दी, एबी लाइन। अब हमारी यहां पर हम लिख देंगे ये इक्वेटर की लेंथ है 15.7 सेंटीमीटर, मैंने यहां पर 15.7 की क्यों खींची, क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री की, 0 डिग्री की कितनी है 15.7 सेंटीमीटर की, इसलिए यहां पर हम 15.7 सेंटीमीटर की ये लाइन ए बी ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रोजेक्शन का इंटरवल कितना है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री की फिर हमारी देखिए यहां पर वैल्यू कितनी दी गई 0.89 सेंटीमीटर, तो स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर के मार्क लगाएंगे यहाँ पर नॉर्थ में भी साउथ में, क्योंकि दोनों तरफ हमारे लैटिट्यूड्स बन रही हैं, दोनों लाइन में हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इन लाइंस को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देते हैं, मार्क्स लगा के ये इस तरीके से हम यहाँ पर
इन लाइंस को ड्रा कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमारी 0 डिग्री की इक्वेटर की थी, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। नेक्स्ट हमारा लैटिट्यूड्स कितना है, 40 डिग्री। 40 डिग्री में हमारी वैल्यू कितनी है, 1.9 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें 1.9 सेंटीमीटर की लाइन यहां पर खींचेंगे। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो हमने 0 डिग्री से ही हम 1.9 सेंटीमीटर को मार्क करेंगे, तो इस तरीके से यहां पर दोनों तरफ 1.9 सेंटीमीटर का मार्क लगा लेंगे, दोनों तरफ, यहां पर दोनों साइड, बोथ साइड, और इनको हम मिला देंगे। यहां पर इस तरीके से ये यहां पर लिख देंगे 40 डिग्री। देन हम क्या करेंगे, 60 डिग्री की लाइन खींचेंगे। तो 60 डिग्री की ये वैल्यू दी गई है 3.9 सेंटीमीटर। अब हम 3.9 सेंटीमीटर तो कहां से ये इसको देखेंगे, 3.9 सेंटीमीटर यहां 0 डिग्री इक्वेटर से ही करेंगे, और यहां पर 3.9 सेंटीमीटर की हम मार्क कर लेंगे, और 0 से यहां पर नाप के 3.9 सेंटीमीटर की यहां पर एक लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन हमारी कितने की हो गई, 60 डिग्री। देख रही हो, इक्वेटर से सारी पैरेलल्स है। देन हम 80 डिग्री की खींचेंगे। 80 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी है, 6.09 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ही 6.09 सेंटीमीटर की वैल्यू हम यहां पर ड्रा करेंगे, और दोनों तरफ मार्क लगा के, और इस तरीके से 6.09 की वैल्यू को हम यहां पर दोनों तरफ 6.09 की वैल्यू को हम इस तरीके से यहां पर खींच देंगे। और जितनी अगर हमारी जो हमने लाइन यहां पर गैस करके खींची हुई है, उसके बाद हमारी जितनी भी ये वैल्यू जितनी भी हमारी है इस प्रोजेक्शन में, ये और यहां पर हम लिख देते हैं 80 डिग्री। तो ये हमारी लैटिट्यूड लाइंस बन गई हैं, ये नॉर्थ की है, ये साउथ की है। देन हम क्या करते हैं, मैंने यहां पर मेरिडियंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस, ये वैल्यू निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, 0.87। ठीक है, तो 0.87 से यहां पर हम इक्वेटर पर मार्क लगाएंगे। अब यहां पर कितने मार्क लगाने हैं, तो हमारी टोटल लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, 360 डिग्री। तो यहां पर हमारे 20 का डिफरेंस है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो कितने हमारे मार्क लगाएंगे, 80। क्योंकि 20 के डिफरेंस से हमारे 20 के डिफरेंस से अगर 360 तक खींचेंगे तो हमारे 18 डिविजन्स होंगे इक्वेटर के। तो यहां पर हम इसके 18 डिविजन्स करेंगे, तो कितनी डिस्टेंस से, 0.87। इस वैल्यू से हम यहां पर डिफरेंस कितने लगाएंगे इस पर, 18। तो यहां पर लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहां पर ये आपके 9 डिवीजन हो गए इस तरीके से ये प्रोजेक्शंस के। तो ये आपकी 0 मेरिडियन हो गई।
यहाँ पर इसके 9 इस साइड 0 मेरिडियन से और 9 इस साइड 18 डिविजन्स करने हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके 9 डिविजन्स ये देखें। यहाँ पर ये 9 डिविजन्स कर देते हैं। देखिए बेटा, इस तरीके से ये हम बना देते हैं, ये 0 डिग्री और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, ये 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पर इसी तरीके से वेस्ट में 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पर ये हम यहाँ पर ये हमारे ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड और ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड। देखिए ये 0 डिग्री की मेरिडियन है, 20-20 के डिफरेंस से ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है और ये 20-20 के डिफरेंस से ये इक्वेटर से पैरेलल आपके लैटिट्यूड लाइंस है। तो सबसे पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पर हम आरएफ लिख देते हैं। आरएफ जो हमारे क्वेश्चन की है वो हमारी है आरएफ है 1/250 मिलियन। ये तो सबसे पहले मैंने इसको कैसे ड्रा किया था, तो हमारा जो प्रोजेक्शन ड्रा होगा वो इस तरीके से बेटा, इक्वेटर सबसे पहले 15.7 सेंटीमीटर की, यहाँ पर 15.7 सेंटीमीटर की ये एक AB लाइन खींच लेते हैं और फिर 20-20 डिफरेंस से जो हमारी डिस्टेंसेस है, यही इक्वेटर से 20 डिग्री की डिस्टेंस का निशान लगाएंगे, हमारी 0.89 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर जो हम यहाँ पर डिस्टेंस नापेंगे 0.89 की है, ये डिफरेंस 20 डिग्री की, 20 से 40 डिग्री की 1.9 सेंटीमीटर की डिफरेंस से हम मार्क करेंगे। फिर हमारा है 3.9 सेंटीमीटर 60 डिग्री और 80 डिग्री है हमारा 6.09। ये सारी डिस्टेंस हम स्केल की हेल्प से यहीं से मार्क करेंगे और हमें लैटिट्यूड्स मिल जाएंगे और हम इनको पैरेलल ये पैरेलल यहाँ पर भी मार्क करके और ये लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देन हम मेरिडियंस बनाएंगे, तो इसकी जो डिस्टेंसेस है 0.87 सेंटीमीटर से 20-20 की डिफरेंस से हमारे कितने डिविजन्स होंगे, 18 डिविजन्स होंगे। उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से हमारा मर्केटर प्रोजेक्शंस बनेगा। ये देखिए आप 0 डिग्री ये हमारी मेरिडियन लाइंस है, मेरिडियन है और यहाँ पर 0 डिग्री ये हमारी इक्वेटर है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और देन हमारे यहाँ मेरिडियंस जो है ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ये हमारे ईस्ट मेरिडियंस हैं और 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ये वेस्ट मेरिडियन है और यहाँ पर देखिए 180 एक ही होता है, तो ईस्ट और वेस्ट ये देखिए हम 180 के इधर लिखते हैं और इधर देन मैंने ये क्वेश्चंस आपके मार्केटर के दिए हैं, तो इनके आप प्रैक्टिस कर लीजिए किस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शंस है ये ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच की जो रेशियो दिखाता है कि वो ये प्रोजेक्शन ये हमारे सही दिखाता है, इसीलिए इसको ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे ग्लोब में जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड की ओर बढ़ते जाते हैं तो
हमारी जो स्फीयर में इस तरीके से और 90 डिग्री तक आते आते लैटिट्यूड एक पॉइंट में रह जाता है, लेकिन इसमें सारे इक्वेटर के पैरेलल ही सारे लैटिट्यूड्स हाई लैटिट्यूड्स बनते हैं, इसीलिए इसमें एरिया हमारा करेक्ट नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए इस प्रोजेक्शन में ये हमारा शुद्ध क्षेत्रफल, इस प्रोजेक्शन में हमारा एरिया सही नहीं होता है। इस प्रोजेक्शंस में जो जो हम इक्वेटर से हम डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो इस प्रोजेक्शन में जो इसका जो शेप है वो बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री तक आते आते इन्फिनिट हो जाता है, जिससे हम इस प्रोजेक्शन में पोल को नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पर पोल को शो नहीं कर सकते हैं, पोल शो नहीं कर सकते हैं। इस प्रोजेक्शन का प्रयोग ये हमारा प्रोजेक्शन डायरेक्शन को करेक्ट दिखाता है, डायरेक्शंस को करेक्ट दिखाता है, इसीलिए इस प्रोजेक्शन का जो यूज है वो नेविगेशन में होता है, नेविगेशन में होता है। ये प्रोजेक्शन क्यों फेमस हुआ है, ये प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा नेविगेशन के लिए ये फेमस हुआ है, इसको हम एयर ट्रांसपोर्ट में भी यूज होता है, ये हमारे वेदर जो चार्ट होते हैं और एयर डायरेक्शन को भी दिखाने में इस प्रोजेक्शन का यूज होता है, और ये प्रोजेक्शन नेविगेशन में यूज करने के कारण ये प्रोजेक्शन मार्केटर बहुत पॉपुलर हुआ है। यहाँ पर इस प्रोजेक्शन में कहीं भी हम इस तरीके से एक सेगमेंट लाइंस खींच देते हैं, जिसको हम लग्जोड्रोम के नाम से जानते हैं। लग्जोड्रोम के नाम से जानते हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये लग्जोड्रोम के नाम से जानते हैं और इस रंब लाइन भी कहते हैं, इसको रंब लाइन कहते हैं या लग्जोड्रोम के नाम से जानते हैं। हमारे जो टू मेरिडियंस के बीच में हमारे स्फीयर में ये जो हमारे टू मेरिडियंस है इनके बीच में और इस तरीके से जो ये लाइंस खींची जाती है इसको रंब लाइन के नाम से जानते हैं, इसी को लग्जोड्रोम भी कहते हैं। तो इस प्रोजेक्शन में ये लैटिट्यूड्स हैं, पैरेलल्स खींचे गए हैं और जो मेरिडियंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे खींचे गए हैं, लेकिन हाई लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनकी डिस्टेंसेस बढ़ती जाती है, इसलिए इसमें जो इस प्रोजेक्शन में एरिया शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू बेटा, जो क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा या चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू बेटा।